उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें चुनाव के परिणाम पर टिकी हुई हैं। 10 मार्च को प्रदेश में चुनाव की मतगणना होनी है। वहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने के दावे भी कर रही हैं। इसी बीच बसपा के नेताओं ने भी दावा किया है कि इस बार कोई भी पार्टी उनके बिना सरकार बना ही नहीं सकती है। बसपा के पूर्व विधायक और लक्सर से बसपा प्रत्याशी मोहम्मद शहजाद का कहना है कि बसपा के लोग बिकाऊ नहीं हैं, जो पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा उसे फॉलो किया जाएगा।